हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, इंडियन पोस्ट की तरफ से कई सारी न्यू वैकेंसी आया है, तो इस वीडियो में सारे वैकेंसी का डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन पोस्ट की तरफ से आपका पोस्टमैन मेल गार्ड्स जॉब और MTS का जॉब आया है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट है 98,083। तो आपका डिपार्टमेंट नेम है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट और लास्ट डेट जो है नोटिफाई सुन होगा जल्दी ही। वैकेंसी टोटल है 98,083 पोस्ट। पोस्ट नेम है पोस्टमैन मेल गार्ड्स MTS और एप्लीकेशन मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा और सैलरी जो वेरियस पोस्ट के वाइज रहेगा। अब जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक indianpost.gov.in पर आप लोग जा सके देख सकते हैं। तो आपका पोस्टमैन में टोटल पोस्ट है 59,099 और MTS में 37,539 और मेल गार्ड्स में है 1,445। टोटल पोस्ट है गया आपका 98,083। तो आपका एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक है और आपका एज रिलेक्सेशन है SC/ST के लिए 5 साल तक और आपका एज होगा 32 ईयर्स तक और बाय 3 ईयर्स MBC MOBC अप टू 30 ईयर्स तक और PWD के लिए 10 साल तक। तो आपका एप्लीकेशन जो फीस रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़, EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़, OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़, ST कैंडिडेट्स के फ्री, SC कैंडिडेट्स के फ्री, वुमेन कैंडिडेट फ्री, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए फ्री। और आपका पेमेंट जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्टमैन के लिए 12 पास चाहिए और जो GDS में काम करता है उसके लिए 10 पास होने से हो जाएगा। और आपका जनरल नॉलेज चाहिए वर्किंग ऑन कंप्यूटर में चाहिए और आधा क्वालिफिकेशन चाहिए जिसमें आप लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है जहां आप अप्लाई करते हैं। और मेल गार्ड के लिए 12 पास चाहिए और GDS कैंडिडेट्स के लिए 10 पास होना पड़ेगा और नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का और क्वालिफिकेशन चाहिए लोकल लैंग्वेज का और MTS का 10 पास चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का चाहिए। तो सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल्स है आप लोग देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए 2,289 और मेल गार्ड्स के लिए 108 और MTS के लिए 1,166 है। असम के लिए 938 पोस्टमैन और मेल गार्ड्स के लिए 73 और MTS के लिए 747। तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं। बिहार में भी अलग है, छत्तीसगढ़ में भी अलग है, दिल्ली में भी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो टोटल आपका पोस्ट हो जाएगा इतना देख सकते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 टाइप्स रहेगा। रिटेन एग्जाम रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग अप्लाई कैसे करें, तो आप लोग www.indianpost.gov.in पर जाकर लोग ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा लो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पोस्टमैन का जो स्टार्टिंग डेट है 6 दिसंबर 2022 तक का है और लास्ट डेट अभी तक नहीं दिया है। तो जब देगा तो आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो बना दूंगा। और MTS के लिए 5 जनवरी 2023 और मेल गार्ड्स के लिए 6 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट जो सुन दिया है। तो जब भी लास्ट डेट का डेट आएगा तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो यही थी, एक आपको जो जानकारी देनी थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।